Assalamualaikum friends, this is Nana Malik and welcome to another video. Friends, आज मैं हाजिर हुई हूँ नरान की ताज़ा अपडेट के साथ. और फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन रह गया था, वो कहाँ तक क्लियर हुआ है. आज हम आपको वहाँ से लाइव उसके मनाजिर दिखाएंगे. वैसे तो हम लोग की क्लिप्स में देख चुके हैं, कुछ कह रहे थे एक दिन में क्लियर हो रहा है, कुछ कह रहे हैं दो दिन में क्लियर हो रहा है, लेकिन आज हम फ्रेंड्स आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कितना रह चुका है और कब तक रोड क्लियर हो जाएंगे. इसके अलावा वहाँ के वेदर की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, नारायण बाज़ार के मनाजिर दिखाएंगे. और फ्रेंड्स, अगर रास्ता क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर होटल्स के अभी के क्या रेंट चल रहे हैं, और इसके बाद होटल मालकान से हम आपको पूछकर बताएंगे कि फ्रेंड्स अगर रास्ता खुल जाता है तो वहाँ पर फिर कितने रेंट के क्या होगा पर रूम का, तो वो भी आपको फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल्स. और वेदर भी आपको फ्रेंड्स बताएंगे कि वेदर कैसा है. अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी खुशगवार मौसम है. वैसे तो फ्रेंड एक घंटे की वीडियो बनती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज़ करके वीडियो बनाई है, सिर्फ 4 मिनट की, तो इसलिए आप लाजमन देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. साथ साथ फ्रेंड आप वेदर इन्जॉय करें और रास्ता भी देख लें. अगर आप लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही मौजू रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं. इसके साथ फ्रेंड्स हम आपको बताते चलें कि हम नारायण स्वात, मालम छपा, मरी, नथिया गली, अयूबिया, स्वात, कश्मीर और इसके अलावा कुछ फिजा मकाम की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं. अगर आप भी टूरिज़म की वीडियोज़ के शौकीन हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके. तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करेंगे आप लोग, क्योंकि ये खूबसूरती आपके प्यारे पाकिस्तान की. तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इंटर होने वाले हैं कागान के अंदर. तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नारायण के अंदर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नारायण के अंदर ही आपको खूबसूरती मिलेगी, नारायण से पहले भी फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत खूबसूरत आबशारे मिलेंगे. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नारायण से पहले भी बहुत खूबसूरत मकामात हैं. तो अगर नारायण का रास्ता कभी बंद हो जाता है, जैसे अभी बंद है, तो आप कागान आकर भी सेम वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, नारायण के अंदर होटल्स बहुत प्यारे हैं और नारायण नारायण ही है, नारायण की खूबसूरती अपनी जगह है. लेकिन फ्रेंड्स, ये भी नहीं है कि नारायण से पहले खूबसूरत मकामात नहीं है, कागान भी बहुत ही प्यारा है, क्योंकि फ्रेंड्स वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान सारे का सारा ही बहुत प्यारा है. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं कागान बाज़ार के अंदर. इसके साथ फ्रेंड्स, अगर हम लोग वेदर की बात करें तो 3 से 4 दिन में हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर, और फ्रेंड्स उसके बाद धूप निकल आती है जिससे मौसम और खुशगवार हो जाता है. लेकिन मज़ीद भी 3 से 4 दिन बारिश रहेगी और हल्की हल्की बारिश रहेगी जैसे अभी है. तो फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी खुशगवार है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की ठंड है पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की है, और साथ में धूप निकल आती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है. टूरिस्ट भी फ्रेंड्स फिर कागान से होकर जा रहे हैं, क्योंकि 27 रमजान तक तो रस्ते क्लियर थे, सब इसी उम्मीद पर यहाँ पर आए थे ताकि आगे से नारायण तक जा सके. लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि रस्ते क्लियर नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स, एक से दो दिन लगेंगे. हम लोग जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ सूरत हाल. और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कागान में बैंक की सहूलत भी है, ये आप देख सकते हैं बैंक वगैरह यहाँ पर मौजूद है फ्रेंड्स. और आपको सामने नीला आसमान भी नज़र आ रहा होगा, हल्के हल्के बादल हैं फ्रेंड्स, और वो खूबसूरत पहाड़ियाँ तो आपको दूर से ही नज़र आ रही हैं फ्रेंड्स. आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत किस्म के सीन्स हैं. बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स के जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है. और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है हम इस चैनल पर वक्तन फ़वक्तन अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं. इससे पहले जब तक रास्ते क्लियर थे हम लोग गए थे फ्रेंड्स, इससे पहले रमज़ान में जब रास्ते क्लियर थे फ्रेंड्स, तो हमने वो वीडियोज़ अपने चैनल पर लगाई हुई हैं. अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है. इसके अलावा हमारे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियो बआसानी देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्क्रीन पर होटल्स देखे थे जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे. और अगर फ्रेंड्स इन होटल्स की रेंट की बात की जाए तो पर रूम आपको सिर्फ 2000 में यहाँ पर अवेलेबल है. आप 2000 में यहाँ पर रूम जो है वो बुक कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, जैसे ही रास्ते ओपन होंगे तो हम लोग आपको नारायण की भी होटल्स की रेंट के बारे में बताएँगे. और फ्रेंड्स, अभी वहाँ पे नारायण में भी हमारी जो रात को बात हुई होटल मालकान से, तो उनका यही कहना है कि नारायण कागान में दोनों के जो है वो अभी तक रेंट सेम ही है, 2000 तक आपको बासानी मिल सकते हैं. लेकिन जैसे ही रास्ते क्लियर होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या रेंट होंगे वो भी आपको हम अपडेट कर देंगे. तो फ्रेंड्स, ये है वो लास्ट ग्लेशियर जिसे क्लियर किया जा रहा है. यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है फ्रेंड्स इसको क्लियर करने में, बहुत ही छोटा सा ग्लेशियर है.
आज फ्रेंड 4 अप्रैल है और इंतजामिया के मुताबिक 6 अप्रैल तक रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, हमने बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स तो हमारी वीडियो को हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर दे दें और इसे शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।